Hey guys, Assalamualaikum. This is Muzaffar Khan and welcome back to my YouTube channel. तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि पता नहीं आज आखिरी इफ्तार है या फिर कल इफ्तार हो गया आखिरी, लेकिन आज हमारी आखिरी फैमिली दावत है। फैमिली और लाइक आखिरी नहीं, दूसरी दावत है। एक हुई थी पहली और ये हमारी दूसरी फैमिली दावत, जो कि आज इससे पहले रमज़ान ख़त्म हुआ मैंने सोचा एक और फैमिली दावत हो जाए। हमारी नहीं है लेकिन वो आपको पता चल जाएगा कि है क्या असल में। तो भाई आज सबसे पहले मैं आपको नानी से मिलवाता हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम नानी। नानी कितनी हसीन लग रही हैं आप, माशाल्लाह बिल्कुल जवान, बिल्कुल जवान लग रही है नानी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम जा रहे हैं दावत में, ठीक है हम जा भाई के लिए रहे और भाई घर से गायब है। साढ़े छः हो रहे हैं, ठीक है, और रोज़ा साल बजे खुल जाएगा और भाई ही गायब है और जानना लोग भाई की दावत मिल रहे हैं। सारे रेडी खड़े हुए देखे हैं। मैमा भी है, हेलो मैमा कैसी नानी, बोलने बोलो 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। यार भाई मम्मा भाई को कॉल करें कि हम जाए। मैं करता हूँ कॉल। यही खुलेगा क्या नानी? नानी नजर लगा दी थी किसी ने फिर से नजर। हाँ अब आके उतारेंगे ना जो बता दो। हाँ और मम्मा का मिट्टू भी बड़ा हो गया अब तो। ये तुमने मुझे डरा दिया, देखो मैं डर गई। कहाँ गया? ऊपर चुपका हुआ है, चढ़ा हुआ कहाँ? अब तो बात ही कर रहे हैं माशाल्लाह से। दफा मत को तो काटता है। हाँ मुझे काट रहा है क्योंकि जानता ही नहीं है, ये नहीं जानता मैं ब्लॉगर हूँ। जब तक भाई आ नहीं रहा तब तक हम थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। तो भाई हमने पिक्चर्स वगैरह भी ले लिए लेकिन अभी तक भाई नहीं आया, वो कह रहा रास्ते में। मैं रोज़ा खोलने में भी 15 मिनट बचे हैं बस। आज हमारा फैमिली का रोज़ा भी रास्ते में खुलने वाला है। आज सरप्राइज क्या था ये? हाँ सरप्राइज क्या था? आज सबा की ईदी लेके जा रहे। तुम अभी सबा भी लेकर जा रहे हैं? तो ये सरप्राइज था वो भाई। और भाई नहीं है, भाई की ईदी जा रही है और भाई नहीं है घर में। आल तो चाहिए कैसी एक्साइटमेंट है भाई। तो भाई आ चुका है और टाइम आप देख लें, रोज़े में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और हमें जाना है इफ्तारी करने किसी दूर जगह। और मम्मा देखे कब से तैयार बैठी हुई है, नानी कब से तैयार बैठी हुई है, उमैमा कब से रेडी बैठी हुई है। हम सारे जा रहे हैं और इतना बड़ा टोकरा मेरे हाथ में रख दिया उन्होंने, ठीक है। नानी वगैरह सब पीछे जा चुके हैं, भाई आएगा लेट उसी गाड़ी में, सॉरी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं भाई के चक्कर में। भाई की ईदी है और भाई खुद लेट आएगा। मेरा दिन होना है इस तरह का, मैं तो दोपहर में चल जाके बैठ रहा हूँ। तो भाई गाड़ी में बैठे हैं और बस घर से निकले भी नहीं हम तो तकरीबन, और रोज़ा खुल चुका है हमारा क्योंकि हमारा पानी भी नहीं था। मम्मा का जूस है वो फीका जूस ही होता है ना क्योंकि मम्मा को शुगर है, तो उससे हमने रोज़ा खोला। अब जा रहे हैं उनके घर पे पहुँचने और आज तो रोड भी बिल्कुल सुनसान पड़े हुए लग रहे हैं, रमजान से ख़त्म हो गए। कोई पानी की बॉटल नहीं दे रहा ना कोई खजूर दे रहा है। तो बस अब जा रहे हैं उधर रोज़ा खोलने का, अब डायरेक्ट खाना खाना है, बहुत भूख लग रही है, रोज़ा भी बहुत लग रहा है। तो भाई फाइनली हम यहाँ पहुँच गए और वकार आप ही और आप पहले से पहुँची हुए यहाँ पे, बाकी सब जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इफ्तारी करने के लिए, इसको देखें माशाल्लाह। इफ्तारी मांगना ही हो, इफ्तारी मांगने वाली आई हुई। तो भाई हमारी इफ्तारी करने के बाद सब उठ गए, उसके बाद भाई सब आए हैं। ईदी ऐसे जाती होती किसी की।
काफी सारे लोग बोल रहे हैं काश हमारी ईदी जाए, हमारी ईदी जाए, और भाई अपनी ईदी आराम से आके आखिर में खाना वाना खा के जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए वैसे बंदे को, बिल्कुल टेंशन फ्री। सामान कहाँ है ये तो बता दो, सामान तो है नहीं। ऐसा हम आ गए भाई, हमारे आधे घंटे बाद आया और साथ में सामान भी अभी तक नहीं आया। सामान अब और आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद आएगा। और भाई हमारी फ्लाई हो गई डन और यहाँ बन रहा है अमल के बर्गर, जो कि अमल खुद बना रही है। What are you doing? Tell mama what is it? What is it? Burger. Which burger? What sauce? No. Wow. Very nice. Show me. Show me. You want the tuna? Take it. Wow, भैया अमल का बर्गर। Let's eat, eat it. Yay! Okay, भैया अमल का बर्गर। अमल ने खुद बना लिया। अमल, your nuggets. अमल, your nuggets. अब भैया अब यहाँ पे ज़ुहेब का बन रहा है बर्गर। क्या बनाया आज आपने? आज मैंने सही से अफ्तार दिखाई। इन्होंने पहले हाँ ये तो बड़ा मजा का, ये समोसा था, पिज्जा बनाया था, कोल्ड बनाई थी, और सब आपने तो नहीं बनाई थी, पीछे वालों ने भी शर्म किया होगा। तो मतलब बनाई नहीं ना, सब बोले बनाई नहीं, मतलब टिक्के नहीं बनाए उन्होंने, ऐसे बोल रही। भाई एक और चाय उठाना मेरे लिए, मेरे लिए चाय उठाना। मूवमेंट है ऐसे, शर्मा शर्मा के आ रही होती हैं लड़कियों, देखो देखो जल्दी से लो भाई। तो भाई रोजे के बाद की परमानेंट चाय आ गई है भाई। ये सब आप के भाई हैं दोनों साइड में, ये है असीब और ये है मुनीब से। हाय वाओ, ये जीतेंगे बर्गर। अमलू वेयर इज योर पैरेट? माय पैरेट इज सो राइट, दिस वन इज सो बिग नाउ, दिस वन इज सो बिग नाउ, यू हैव। And what's his name? What's his name? Ajo, let's come inside. Iska naam kya hai? Tur. Huh? Tur. Okay. Ki roze koi 3.5 ghante baad jaake hamari bhai ki Eid aayi hai. मतलब भाई ईद ही लेकर आया है। सारा सामान हम आज बनवाने गए बता, क्योंकि जब हाय हमारी कब आएगी हमारा। और है और है सारे काम मेरे हाथ में लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा ईमान आपकी घर चली गई क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो वो घर चली गई। ईद मुबारक गाइस, अभी भी खुश नहीं हो रही है आप तो? ये असल जो है ना वो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और चूड़ियां रह गई मेरे कैसे गाड़ी में भाई? चूड़ियां चलें भाई, खोलें यार एक। हाँ माशाल्लाह, शॉपिंग किससे तुमने की भाई? हाँ ये फ्रूट्स रह गए। योर एड्रेस? ये ड्रेस मालदा स्पेशली, मैंने बताया मालदा स्पेशल ड्रेस अभी से तैयार होके आ जाए जल्दी से। आज सामने बच्चा ले लो दूसरे, तो इंटरेस्ट नहीं है।
दिखाओ भाई। ये ड्रेस नहीं दिखा रही है। ये पूरा ड्रेस छुपा दिया। तो कहीं जा थोड़ी रहा है। एक दिन में कौन कॉपी करेगा। ओके भाई, तो ये आप लोगों ने देख लिया कि इनका ड्रेस है। स्लो मोशन करके लगा दूंगा, सही से देख लेगा। हाई फाइव, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बस हम लोग भी निकल रहे हैं घर, भाई और मम्मा थोड़ी देर में आएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, भाभी ऐसी कौन बात। तो बस अब हम जा रहे हैं घर। मेरा फोन ले जाए, काम करें। आप जितनी बातें करनी ना मेरे फोन में करें। ओके ज़ैफ़ा, बाय। ज़ैफ़ा जी, थर्सडे को आना है, पता है ना? थर्सडे को आना है? हाँ। पता नहीं थर्सडे को आते हैं। अच्छा, वो भिखारी पब्लिक भी रहा। देखो तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें कह दिया पार्टी बदल गया साला। बहुत हो गया, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बहुत होगी लंबी। दीदी ज्यादा मिलनी चाहिए इस बार। मैंने सोचा धर्म वर्म नहीं चाहिए। मैंने कहा कैश ही देंगे। कैश ही चाहिए, पाँच से नीचे का नोट नहीं लेता मैं। तो बस आज का व्लॉग होता है मेरा यहाँ खत्म। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना भी ख्याल रखिएगा।